Hi, I'm Gauri Khan, an interior designer. As an artist, my work has always been. दोस्तों शाहरुख खान इन दिनों जवान की ताबड़तोड़ सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। जवान की वर्ल्ड वाइड कमाई 1000 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। पठान और जवान के बाद अब शाहरुख खान नई फिल्म डंकी लेकर आने वाले हैं। डंकी दिसंबर 2023 में रिलीज होगी। रिपोर्ट की माने तो रिलीज से कई महीने पहले ही शाहरुख खान की डंकी ने करोड़ों रुपए कमा डाले हैं। और इस बात का खुलासा करते हुए खुद शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि जी हां, शाहरुख खान की डंकी का अभी टीजर और ट्रेलर भी नहीं आया और ओटीटी प्लेटफॉर्म ने राजकुमारी हिरानी की फिल्म करोड़ों में खरीद ली है। रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान की डंकी के ओटीटी राइट 155 करोड़ में बिके हैं। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। खबरों की माने तो शाहरुख खान की डंकी के ओटीटी राइट जियो सिनेमा ने तगड़ी रकम देकर खरीदे हैं। फिल्म में शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आने वाली है। जवान की सक्सेस के बाद शाहरुख खान ने खुद अनाउंस किया था कि वह अगली फिल्म डंकी दिसंबर में क्रिसमस पर लाएंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि फिल्म गैरकानूनी माइग्रेट पर बेस्ड है, जिन्हें डंकी फ्लाइट भी कहा जाता है। जबकि फिल्म की कहानी में अभी भी वही सस्पेंस बना हुआ है और लोग इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि शाहरुख खान सर की ये फिल्म इस बार ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है। और जिस तरह से आपने फिल्म पठान और जवान को प्यार दिया, मैं चाहती हूँ कि आप फिल्म डंकी को भी इसी तरह से प्यार दें। तो दोस्तों इस तरह से फिल्म डंकी को ब्लॉकबस्टर बता चुकी है खुद पत्नी गौरी खान। बहरहाल दोस्तों आप गौरी खान के इस बयान पर अपनी क्या राय रखते हैं आप हमें नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही ताज़ातरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।